कहते हैं कि एक्टिंग या फिर ग्लैमर वर्ल्ड में आपको कदम रखना है तो अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी। आखिर सुमित की ये जर्नी कैसी रही, कैसे इस जर्नी में उन्होंने खुद को अकेला फील किया, इस बात का सवाल का जवाब सुमित का सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। सुमित ने अपनी आप बीती बातें बताते हुए कहा, यस दिस इज़ ट्रू मोर ऑन पर्सनल फ्रंट। व्हेन यू आर यंग, व्हेन यू लीव योर फैमिली, You went out in the world completely different from where you grew up. You are pretty alone. वहाँ पर आपके बहुत सारे कलीग्स हो सकते हैं, आपके बहुत दोस्त मिलेंगे, बट कोई अपना नहीं मिलेगा। And then, आप भी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते कि आपको सब समझ आए। इस जर्नी में धीरे धीरे सीखना पड़ता है, धीरे धीरे ठोकर खानी पड़ती है, कभी गिरना पड़ता है तो कभी खुद संभलना पड़ता है, कभी हारना तो कभी जीतना पड़ता है। ये करते 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 लाइफ बढ़ती रहती है आगे, और ये सेटबैक्स होते हैं स्टेज के। ऑडिशन सब देते हैं, स्ट्रगल सब करते हैं, बट मैं अगर मेरे ऑडिशन और स्ट्रगल जर्नी की बात करूं तो ये मेरा पार्ट था। वेल सुमित, आपकी तो अब लगती है कि नैया पारी हो चुकी है। आपने जितना भी स्ट्रगल किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि आज जिस मुकाम पर आप हैं वहाँ तक पहुँच पाना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और आपके फ्रेंडम इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि आप इतनी ऊँचाई पर पहुँचने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वेल, ऐसे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।